हाय एवरीवन, तो नेक्स्ट टाइम में डिस्कशन करिबा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फोर ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तुम्हें जानी जो ऑलरेडी आमे यहाँ पर टिके डिस्कशन करी थिले जे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहिले कौन, जे रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन जेते चेंज कले बी रेट उपरे किछि फरक पड़िबो नाही, सेही केस रे त काम कोन कहबा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैला। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दा रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन उपरे कोन करे डिपेंड करे नाही, इंडिपेंडेंट, त काम कोन कहबा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तुम लिख पारिबो दे जीरो ऑर्डर रिएक्शन रे रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यदि रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन को आम चेंज करवा ताहले रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हम ना, से केस आम कौन कह जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैला। यार एग्जांपल जदि आम ना सपोज सपोज ए अच्छी बी अच्छी नहीं थी आम सपोज ये टाइम इक्वल जिते बड़े जीरो थिला, फाइव मोलार कंसंट्रेशन थिला, सेते बड़े रेटा थिला सपोज आर वन केते बाला 0.04 जे कोन सोटे वैल्यू नहीं गेल हैला 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स जेते बेले सपोज यार कंसंट्रेशन को मु कोन कली 10 मोलार नेली हैला, यार 5 मोलार नेली जेते बेले रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन केते नेली 5 मोलार तो रेट आसीला केते एतिकी, जेते 10 मोलार कली आटुडा केते आसीला सेही सेम 0.02, 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जो 15 मोलार कली आर्थिटा भी कौन आसा 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन जहाँ भी चेंज करो हाँ कि ना, तो यार रेट रो वैल्यू सेम ही रोज कन्स्टांट रोज बुझा ना, या पर डिपेंड कर ना, से केस तक आम कहते कौन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। यार बेस्ट एग्जांपल्स हैला तुम फर्स्ट ईयर चैप्टर गोटे थिला दे, तुम सेकेंड ईयर भी अच्छी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया पढ़ी जाओ ग्रुप 17 रे, दे हेबर्स प्रोसेस कौन अच्छी हेबर्स प्रोसेस, तो यहाँ को हेबर्स प्रोसेस को मैंने कहते कि एक्चुअली हेबर्स प्रोसेस बुझिपार ना, तो रिवर्स हेबर्स प्रोसेस रिवर्स हेबर्स प्रोसेस बेस्ट एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैला। देखो आम कौन थिला हेबर्स प्रोसेस रो कौन थिला N2+3H2 आरमार्क 2NH3 एटा थिला हेबर्स प्रोसेस। हेबर प्रोसेस रे आम कौन करथले प्रिपरेशन करथले अमोनिया, अमोनिया रे कौन होता ना नाइट्रोजन को हाइड्रोजन सहित रिएक्शन करते आमको मिलता अमोनिया, तो ये आम नहीं कैटलिस्ट कौन आयरन कैटलिस्ट भाव आउट थिला प्रोमोटर भाव यूज होता मोलिब्डियम हाँ कि नहीं, तो ये सब निया कंडीशन तुम थिला दे टेम्परेचर के प्रेसर के सब सब कंडीशन थिला, किंतु ये यार रिवर्स हेबर प्रोसेस माने 2NH3 आर मार्क कौन हम N2+3H2 एटा कह जाए कौन रिवर्स एटा कह जाए रिवर्स हेबर्स प्रोसेस। ए रिवर्स एटा नुहे बुझे ना हेबर प्रोसेस नुहे, रिवर्स हेबर्स प्रोसेसटा गोटे कौन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रो एग्जांपल हैला। 2NH3 बुझे ना 2NH3 एटा कौन N2+3H2 तुम दे पार डबल आरो माने रिवर्सिबल चिन्ह दे पार कौन दे पार रिवर्सिबल चिन्ह कौन पाई ना एइद्रु एइडा भी हे पारिबो एइद्रु भी एइडा हे पारिबो हैला। तो एइटा काम कहिया कोन जीरो ऑर्डर एग्जांपल रो देखो तुम जदि आयर बाहर करिवो ऑर्डर बाहर करिवो कोन बाहर करिवो ऑर्डर केते पावर आसिबो 2 आसिबो बदे तले तुम कहबो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, किंतु एटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल नु हे एटा को ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल्स कहला दे आमर इक्वेसन देखिकिना आम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर डिटरमाइन कर पारा ना बुझे, तो सेपरी
आउ कोन एग्जांपल हम नै परबा देखो तुमको एवरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रो जकी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट रिएक्शन दि तीनटा एग्जांपल मन रखबाक पड़िबो नले अदर बेसिकली अदर केस रे तमर को करे ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करिया को दिए जेमिते हम कहबा एग्जांपल 2 रे नबा H2 plus Cl2 माने हाइड्रोजन गैस को जदि आमे क्लोरीन गैस सहित ऐड करिबा हाइड्रोजन गैस को का सहित ऐड करिबा क्लोरीन गैस सहित इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तुमको मिलबा कोन 2HCl बुझबे नै तो 2HCl मिलबा गैस फॉर्म रे तो इधर हम कौन करवा रेट इक्वल टू रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एच टू रो कंसंट्रेशन पावर जीरो हम नहीं सी एल टू रो कंसंट्रेशन पावर जीरो जे कौन सी रो कंसंट्रेशन पावर जो थी वो जीरो तार भाई बड़ा कहता होगा वन सदा मन रखो जी भी हो तार कंसंट्रेशन जो पावर कहती है वो जीरो तार भाई बड़ा कहता है सी वन ताले एक केस रे कौन जी पावर जीरो लिखिबा मींस कोन जान परु जो दे तारो एच टू रिएक्टेंट साइड रे की अछि की एच टू आउ सी एल टू एच टू आउ की अछि सी एल टू माने जीरो रो रिएक्शन माने एच टू रो कंसंट्रेशन आउ सी एल टू रो कंसंट्रेशन उपरे रेट ऑफ रिएक्शन दा डिपेंड करू नाही सेत पई लिखि जेबे पावर जीरो यदि डिपेंड करि थाता त एटा कोन हेता कोएफिशिएंट केते अछि की वन त एटा हेता कोएफिशिएंट पावर हेथांता वन यारि पावर हेथांता वन तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन है था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस किंतु ए केस से कोज दे ए रिएक्शन रे रेटा यारो कोएफिशिएंट उपरे कि माने को कहलो जो कंसंट्रेशन उपरे डिपेंड करू नाही हेत में यार कौन होसी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैला से परे एटा हम कौन लिखिया रेट इक्वल टू के के रेट कांस्टेंट के कोन एकनी जा के नॉट कोन जा के नॉट तो के नॉट एच टू रो कंसंट्रेशन पावर जीरो सी एल टू रो कंसंट्रेशन पावर जीरो तो ये कहते वन ये कहते वन तो रेट इक्वल टू कौन लिखिपर के नॉट रेट इक्वल टू के नॉट है एग्जांपल लिखिदे देखो नेक्स्ट आउट एग्जांपल नवा यदि आम नवा टू एच आई इन प्रेजेन्स ऑफ गोल्ड हैला गोल्ड प्रेजेन्स आउ हिट दबा तो आमको मिल एच टू प्लस आई टू कौन मिल एच टू प्लस आई टू तो यही केस कह आमे यार कौन डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई इन प्रेजेन्स ऑफ हीटेड गोल्ड डिकम्पोजिशन ऑफ कौन एच आई इन प्रेजेन्स ऑफ हीटेड गोल्ड हैला तो एच आई को जब डिकम्पोज करवा माने डिकम्पोज माने ब्रेकिंग करवा तो आमको मिल कौन एच टू आउ कौन मिल आई टू तो यहाँ कार भी एग्जाम्पल गोटे जीरो ऑर्डर रिएक्शन रो एग्जाम्पल तो यही केस कौन लिखिपर रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एच आई रो कंसंट्रेशन पावर टू लिखिबा ना जीरो लिखिबा टू लिखिबा नाही हैला तो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करिवो नाही तो आर इक्वल टू कोन हबो रेट कांस्टेंट के नॉट एच आई रो कंसंट्रेशन केत हबो 1 तो के नॉट हबो बुझियो छी तो सेही परी नेक्स्ट आमे पढिबा यार कोन देखो ए तीनटा बेसिकली एग्जांपल मन रखी थी टे सपोज आम ना यार प्रूव करवा ए रूपी जो टाइम इक्वल टू जीरो थिला यार अमाउंट थिला स्मॉल ए अमाउंट रो हैला बी से तरफ किसी फॉर्मेशन है ना माने पी प्रोडक्ट किसी फॉर्मेशन है ना जीरो थिला जेते बेले
टी इक्वल टू सपोज 5 सेकेंड हो गला सब लेट केते 5 सेकेंड निया गला हेतबले ये हो गला ए माइनस एक्स ये हो गला एक्स हेला तो इदे आमे ए कहबा कोन ए इनिशियल अमाउंट ऑफ अ रिएक्टेंट इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट रो इनिशियल अमाउंट केते थिला स्मॉल ए माने टाइम इक्वल जतले 0 थिला हां नै तापरे ए माइनस एक्स कोन ए माइनस एक्स हैला लेफ्ट लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट माने कौन लेफ्ट साइड नहीं तो लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट माने आउ रेस्ट माने एक्स अमाउंट गला पर आउ केते रहिला हेडाला लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ये तुम्हें अदर वर्ड्स रे कहि पारिबो एक्स कोन एक्स कोन अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिकम्पोज अमाउंट ऑफ डिकम्पोज्ड रिएक्टेंट एक्स हैला अमाउंट ऑफ डिकम्पोज रिएक्टेंट माने एक्स अमाउंट रो रिएक्टेंट कोन है जी डिकम्पोज है ना कोन साइड जाय जी प्रोड साइड को कि तमे अदर वर्ड्स रे कह परिबो अमाउंट अमाउंट ऑफ फॉर्म्ड प्रोडक्ट हैला जे तमर एडा एडा थिला तमर इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स तापरे एक्स कोन होला एक्स अमाउंट रो रिएक्ट एक्स अमाउंट रो कोन होला रिएक्टेंट डिकम्पोज हे गला माने एक्स अमाउंट कोन होला रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट को कन्वर्ट हो गला बुझे ना आ रेस्ट अमाउंट केते रहला ए माइनस एक्स जो हम कहती लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हैला तो ए केस रे हम लिखिया कोन जानती रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए रो कंसंट्रेशन पावर 0 कोन भाई ना 0 रो रिएक्शन डेफिनेशन कोन की रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट तो ये कह पारा रेट इक्वल टू के नॉट ए रो कंसंट्रेशन पावर 0 इक्वल टू माइनस डी ए रो कंसंट्रेशन बाय डीटी इक्वल टू डी पी रो कंसंट्रेशन बाय डीटी हाँ ना ये लिखिपर आर इक्वल टू रेट इक्वल टू के नॉट ए रो कंसंट्रेशन पावर 0 इक्वल टू माइनस डी ए रो कंसंट्रेशन बाय डीटी डी प्लस डी पी रो कंसंट्रेशन बाय डीटी ये लिखिपर से देख एटे ए नॉट रो कंसंट्रेशन के हम ए नॉट रो कंसंट्रेशन पावर के 0 तो ये के 1 ए रो कंसंट्रेशन पावर 0 डा के 1 हैला देख आर इक्वल टू कौन लिख पारा के नॉट इक्वल माइनस डी ए रो कंसंट्रेशन बाय डीटी इक्वल डी पी रो कंसंट्रेशन बाय डीटी देख पारा आर इक्वल टू के नॉट ये तो होगा 1 इक्वल माइनस डी ए रो कंसंट्रेशन बाय डीटी इक्वल टू डी पी रो कंसंट्रेशन बाय डीटी देख पारि नेक्स्ट देख ना एडा या से तो इक्वल कर पारि या से तो एडा इक्वल लिख पारि तो कौन लिख पारि माइनस डी ए रो कंसंट्रेशन बाय डीटी इक्वल टू के नॉट लिखि हबो देखो इक्वल टू आर रेट हैला तो माइनस डी
ए कंसोलिडेशन जो टाइम कि हाँ ना के रहा ए माइनस एक्स तो लिखी ए जगह के लिखी ए माइनस एक्स बाय डीटी हाँ ना इक्वल के नॉट आर हम तापर माइनस डी ए कंसोलिडेशन बाय डीटी प्लस डी एक्स बाय डीटी इक्वल टू के नॉट इक्वल टू आर हम ना देख ल डी ए कंसोलिडेशन बाय डीटी एटा गोटे कौन कांस्टेंट एटा गोटे कौन कांस्टेंट कांस्टेंट रो डेरिवेटिव टा कौन हुए जीरो कौन पाई ना एटा केमती कांस्टेंट ए रो वैल्यू केते बेले चेंज हो कि ए रेट ऑफ रिएक्शन रे ए रो वैल्यू केते चेंज हो कि चेंज होनी तुम्हें ए रो वैल्यू केते हो फाइव मोलार नहीं पार कि टेन मोलार नहीं पार तो गोटे कौन कांस्टेंट वैल्यू तो कांस्टेंट वैल्यू रो डेरिवेटिव टा कौन हम जीरो तो रही के यहाँ जीरो होगा डीएक्स बाय डीटी इक्वल टू के नॉट लिखिपर ताले डीएक्स बाय डीटी इक्वल टू के नॉट एटा पाइले आम फर्मूला है जीरो रिएक्शन कौन पाइले डीएक्स बाय डीटी इक्वल टू के नॉट देख जी तुम्हें कही था तो भी प्लट सैड सहित कर प्लट सैड सहित करता डीपी कंसंट्रेशन बाय डीटी कर हाँ कि ना तो डीपी कंसंट्रेशन बाय डीटी माने तो ये कहता डीएक्स बाय डीटी भी आसी था हाँ कि ना कि आम जेहतु रिएक्टेंस सहित नौ रिलेसन तो रिएक्टेंस सहित नहींना करागला तो यही आम नहीं पार यार आम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बाहर करा तो नेक्स्ट क्लास आम यह करवा यार इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस।